वेलकम इन माय आर्ट रूम। स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे आर्ट रूम में स्वागत है। आर्ट रूम में अब हम जो नई चीज सीखने जा रहे हैं वो है लैंडस्केप। लैंडस्केप होता क्या है? आमतौर पे हम छोटी क्लासेज में सीनरी बनाते आए, पहाड़ बनाया, घर बनाया, पेड़ बनाया, नदी बनाई। तो देखा जाए तो लैंडस्केप की शुरुआत वहीं से हो जाती है, लेकिन लैंडस्केप में उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम बना सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब हम उन्हें अपने रंगों के साथ बनाते हैं तो बहुत खूबसूरत लगती है। तो इसी कड़ी में हम चलते हैं लैंडस्केप बनाने के लिए और देखते हैं कि आज हम कौन सा लैंडस्केप बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये लैंडस्केप जरूर पसंद आएगा और आप इसे बखूबी बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने आर्ट रूम में। आज के भूदृश्य के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं बनाना है। हम सबसे पहले एक सूरज यहाँ पर बनाएंगे और इसके अलावा मैं कुछ और नहीं बना रहा हूँ। बाकी सारा काम हम फ्री हैंड करेंगे। तो सूरज की शेप के लिए मैंने एक गोला यहाँ पर बना लिया है और इसके बाद हम लोग सीधा कलर के साथ बाकी जो भी चीजें हैं वो सब यहाँ पर बनाएंगे। तो लीजिए, मैं सबसे पहले बड़ा ब्रश ले रहा हूँ और अपनी शीट को मॉइस्चर दे रहा हूँ। बहुत से बच्चे पूछते हैं, सर पानी बहुत ज्यादा लग जाता है, कलर बहुत फैलता है। तो वाटर कलर की खासियत ही यही होती है कि जो कलर हम लगा रहे हैं वो कलर फैले, क्योंकि फैलने के बाद ही वो उस तरह का इफेक्ट देता है जैसे इफेक्ट हमें चाहिए। आमतौर पे हैंडमेड शीट यूज होती है, लेकिन आप स्टूडेंट हैं तो अभी हैंडमेड शीट आपको नहीं मिल पाती, तो इसलिए हम लोग नॉर्मल जो शीट है उसी के ऊपर काम चला रहे हैं, उससे ही हम बना रहे हैं। तो मैंने आसमान के लिए पहले वहां पर पानी लगा दिया है और अब मैं ब्लू कलर से आसमान की पतली ऊपर लाइन बना रहा हूं और ये कलर खुद ब खुद नीचे की तरफ फैलता हुआ चला जाएगा। देखिए, मैंने आसमान के उसके लिए पहले पानी लगाया ताकि कलर फैले और फिर उसके बाद कुछ कलर यहाँ पर लगा दिया और इसे अब मैं खुद ब खुद फैलने दूंगा, जिससे कि बादलों का इफेक्ट भी आ जाएगा और कलर कहीं पर बहुत ज़्यादा गाढ़े, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं रहेंगे। अब ये देखिए, मैं अब इसे थोड़ा नीचे की तरफ कर रहा हूँ जिससे कि ये कलर फैले। तो आप लोग ये मत सोचिए कि कलर फैल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी पेंटिंग गलत बन रही है। वाटर कलर में यही इफेक्ट सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आप इसे थोड़ा बहुत फैलने दीजिए, थोड़ा बहुत नीचे जाने दीजिए। दाएं बाएं करके आपको जिस तरह का इफेक्ट चाहिए आप उस तरह का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि बादल बीच में थोड़ा सा एक दूसरे में मिक्स होते हैं, कहीं पे वाइट बादल दिखते हैं, तो वो इफेक्ट आपको खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। अब हमें इसे थोड़ा सूखने देना है। सूखने देने के बाद हम दूसरा कलर करेंगे, तो तब तक हम इंतज़ार करते हैं इसके सूखने का। जब ये सूख जाए तो हम इसमें नीचे की तरफ दूसरा कलर करेंगे। तो मैं शीट को उल्टा कर लेता हूँ क्योंकि अब मुझे इस तरफ इसमें कलर करना है। तो वही, पहले हम यहाँ पर पानी लगाएंगे आपने जो सन बनाया है उसके चारों तरफ आप जगह छोड़ दीजिए, ताकि जो आपका जो हम नीचे अर्थ के लिए जो कलर देने वाले हैं वो हमारे सन में ना जाए। तो मैं यहाँ पर पर्पल कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं एक सुबह का या शाम का कोई भी सीन कह सकते हैं वैसा सीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि नीचे की तरफ हमारी कलर की डार्क टोन है और ऊपर की तरफ स्काई लाइट कलर में है। अब देखिए, पर्पल कलर में भी उसी तरह का इफेक्ट आ रहा है जैसे कि ऊपर आसमान में आया था। तो कलर कहीं पर बहुत गाढ़ा दिख रहा है तो कहीं पर बहुत लाइट दिख रहा है, लेकिन यही इफेक्ट जो है हमारी पेंटिंग में खूबसूरती लेकर आएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि पोस्टर कलर की तरह इसे बहुत ज़्यादा डार्क होना चाहिए, कहीं पर भी वाइट स्पेस नहीं दिखना चाहिए। हर कलर की अपनी एक खासियत होती है, हर कलर उसी ढंग से इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने ये पर्पल कलर की फर्स्ट लेयर लगा ली है, अब हम इसको भी सूखने देंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे। अभी पर्पल कलर पूरी तरह सूखा नहीं है,
लेकिन हम इसमें थोड़ा सा, क्योंकि हम सूरज के आसपास की जगह बना रही है, तो थोड़ा सा रेड और थोड़ा सा ऑरेंज कलर इसमें अभी गीले में ही मिक्स कर लेंगे, जिससे कि हमारी इसकी जो टोन है वो और भी ज़्यादा अच्छी लगे और हमें एक सुबह की लालिमा जैसा इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाए। तो कहीं कहीं हम थोड़ा सा रेड और थोड़े से ऑरेंज कलर की शेड्स यहाँ पर दे रहे हैं। मैं ऑरेंज कलर से यहाँ पर सन को भी बना देता हूँ। अब सूरज को हमें बहुत ज़्यादा ब्राइट बनाना है, तो इसलिए मैंने इसमें इसमें मॉइस्चर नहीं दिया, ताकि कलर हमारा थोड़ा डार्क भी आ जाए और देखने में एकदम से वो बाकी सीनरी से अलग नज़र आए। अब जो ये नीचे का एरिया है, बैकग्राउंड का एरिया है, इसमें हम थोड़ा सा इसको डार्क टोन भी देंगे। तो मैं यहाँ पर डार्क ब्राउन और थोड़ा ब्लू, डार्क ब्लू इनको मिक्स करते हुए यहाँ पर एक डार्क टोन क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम घास बनाने वाले हैं, तो उसकी जो नीचे की बैकग्राउंड होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा डार्क रहेगी। तो पर्पल को ही हमने डार्क टोन में दे दिया है यहाँ पर, डार्क यानी रेड कलर, और मैंने ब्लू कलर को लिया, तो पर्पल की डार्क टोन यहाँ पर बन के आ गई है, जिससे कि हम नीचे की ग्राउंड का एरिया बना रहे हैं। आप जो भी बनाने जा रहे हो, आपके दिमाग में पहले उसकी एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। जब वो पिक्चर क्लियर होगी तभी आप वैसा बना पाएंगे जैसा बनाना चाहते हैं। अब हमारी शीट पे काफ़ी काम हो चुका है और हमें चाहिए कि हम इसको थोड़ी देर सूखने दें, सूखने के बाद ही हम इसमें आगे काम कर पाएंगे, नहीं तो हमारे सारे के सारे कलर आपस में मिक्स हो जाएंगे। काफ़ी हद तक हमारे कलर सूख चुके हैं, तो अब हम आगे डिटेलिंग पे काम शुरू करते हैं जो हमने करना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमें इसमें नीचे घास बनानी है, तो पहले मैं थोड़ा डार्क ब्राउन और उसमें हल्की सी ब्लैक की टोन मिक्स कर रहा हूँ, जिससे कि हमारे पास नीचे की घास को बनाने के लिए एक कलर शेड्स आ जाए। आपको घास में कुछ नहीं करना है, सीधा नीचे रखना है और ऊपर की तरफ अपने ब्रशेस को खींच देना है, तो आपके घास जो है वो खुद ब खुद बनते चल जाएंगे, एक दूसरे के अंदर गुथे हुए मिक्स आपको बनाने हैं। इस तरह से आपको ये घास बनाते चलना है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ इसमें घास के कुछ इंटरेस्टिंग से पैटर्न इसमें ऐड किए हैं, और इसी तरह से आप भी जितने चाहें उतने इसमें लीव्स बना सकते हैं, उतने पैटर्न इसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि ये देखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगे। कुछ मोटी घास हम यहाँ पर बना रहे हैं। पहले हमने थोड़ा लाइट कलर रखा था, लेकिन अब हम थोड़े डार्क कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि सामने वाली घास नीचे वाली घास से थोड़ी अलग भी लगे और देखने वाले को हमारा लैंडस्केप खूबसूरत भी लगे। देखिए, हम जो भी बनाते हैं बहुत ज़रूरी है कि वो खूबसूरत लगना चाहिए। अगर वो खूबसूरत नहीं लगेगा तो कोई भी आपकी बनाई चीज़ को देखना नहीं चाहेगा, आप खुद भी नहीं देखना चाहेंगे और आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ी सी डिटेलिंग देनी और थोड़ी सी उसमें ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत ज़रूरी है। जब आप बाहर अपने चारों तरफ देखते हैं तो लैंडस्केप में ये चीज़ आपकी बहुत काम आती है। तो जब भी आप पार्क में खेलें, कूदें या कुछ भी करें, तो आप अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान से ज़रूर ऑब्जर्व करें कि आखिर वो कैसी दिख रही हैं, वो हमें खूबसूरत क्यों लग रही हैं। जब हम इन्हीं सब छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे तो चीज़ें हमारे लिए बनानी बहुत आसान हो जाएंगी, और हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि हम क्या बनाएं। खुद ब खुद जो भी चीज़ हमें अपने चारों तरफ दिखेगी वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगी और हम उसी को लेकर एक खूबसूरत पेंटिंग बना सकते हैं। अक्सर बच्चे पूछते हैं, सर आइडिया नहीं आ रहा। तो आइडिया आता नहीं है, वो हमारे अंदर होता है, हमें बस उससे समझने की ज़रूरत होती है। अगर हम थोड़ा सा क्रिएटिव होकर सोचेंगे तो हमें अपने चारों तरफ बहुत सारे आइडियाज़ नज़र आएंगे, बहुत से ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जिन्हें हम बनाना चाहते हैं और जो बहुत देखने में खूबसूरत लगती है।
क्योंकि हम घास बना रहे हैं तो घास की कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं, खूब सारे हो सकते हैं, तो यहाँ पर हौच पोच ही रहेंगी चीज़ें, घास आपस में हौच पोच रहेंगे, वही आपको बनाने हैं और वही आपके लड़की की बेटी को बढ़ाएंगे भी। अब देखिए मैं भी रंडल में कहीं कहीं घास बना रहा हूँ, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि हमें कहाँ पर घास के ऊपर बीज नज़र आ रहे हैं, कहाँ पर घास की टंडी नज़र आ रही है, वो कहीं पर भी हो सकती है। अब फिर से मैं जो नीचे बैक हमारे घास का तना है, ये जो बेस है वहाँ पर मैं थोड़ा सा डार्क टोन देना दूंगा, जिससे कि वहाँ पर थिकनेस आ जाए। ऊपर तो जो घास लंबी होगी हमें वही नजर आएगी, लेकिन नीचे सबकी जड़ें जमीन के साथ जुड़ी हुई हैं, तो वहाँ पर कुछ एरिया ऐसा होगा जो बहुत ही ज़्यादा घना होगा, जिसके बीच में से हम अलग अलग करके उनकी डंडियों को नहीं देख पाएंगे। तो मैं ये डार्क कलर लेकर उसी चीज़ को यहाँ पर बना रहा हूँ। ताकि ऐसा लगे कि हमने घनी घास के पास बैठकर इसको देखा है और इसे बनाया है। अक्सर इस तरह के सीन में एक पक्षी को बैठा दिया जाता है, आप चाहे तो वैसा भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें घास की टहनी थोड़ी मजबूत बनानी पड़ेगी, तभी हमें वो पक्षी वहाँ पर बनाएंगे तो थोड़ा ठीक लगेगा, नहीं तो वो टहनी को मोड़ता हुआ नजर आएगा नीचे की तरफ। तो ये हमारा आज का लैंडस्केप है जो हम बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस लैंडस्केप को बड़े आराम से बना लेंगे और आपको ये बहुत खूबसूरत लग रहा होगा, बहुत प्यारा लग रहा होगा। मैं अब इसमें इससे ज़्यादा काम नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर बहुत ज़्यादा के चक्कर में हम चीज़ों को ख़राब भी कर देते हैं। तो ये मैंने आज के ऑटोग्राफ यहाँ पर दिए, अब मैं इसे आपको दिखाना चाहूँगा कि ये बहुत सिंपल है और बहुत ईजी बना है और बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे बहुत आराम से बना लेंगे और आपको इसे बनाने में मज़ा भी आएगा। ओके एंड हैव ए नाइस डे।